क्या आपने जाना है कि अगर एक उल्का पिंड धरती से टकराए तो क्या होगा? उल्का पिंड अंतरिक्ष में घूमते हुए चट्टानी या धातु के टुकड़े होते हैं। वे अक्सर सूर्य के चारों ओर की कक्षाओं में पाए जाते हैं, लेकिन वे कभी कभी धरती की कक्षा में भी प्रवेश कर सकते हैं। यदि कोई उल्का पिंड धरती से टकराता है तो उसे उल्कापात कहा जाता है। उल्कापात के प्रभाव बहुत अलग अलग हो सकते हैं। छोटे उल्कापात आमतौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन बड़े उल्कापात बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। बड़े उल्का पिंड छोटे उल्का पिंडों की तुलना में अधिक विनाशकारी होते हैं। तेज गति से चलने वाले उल्का पिंड धीमी गति से चलने वाले उल्का पिंडों की तुलना में अधिक विनाशकारी होते हैं। चट्टानी उल्का पिंड धातु के उल्का पिंडों की तुलना में अधिक विनाशकारी होते हैं। उल्का पिंड यदि किसी शहर या अन्य आबादी वाले क्षेत्र में टकराता है तो इससे अधिक विनाश होगा। छोटे उल्कापात आमतौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वे अक्सर पृथ्वी के वायुमंडल में जल जाते हैं और चमकदार प्रकाश के एक तीर के रूप में दिखाई देते हैं। इन उल्कापातों को प्रकाश उल्का कहा जाता है। बड़े उल्कापात बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। वे धरती की सतह पर एक बड़ा गड्ढा बना सकते हैं। इतिहास में कई बड़े उल्कापात हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध उल्कापातों में से एक टंगस का घटना है, जो 30 जून 1908 को रूस में हुआ था। इस घटना में एक उल्का पिंड साइबेरिया में एक जंगल में गिरा और 800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वनस्पति को नष्ट कर दिया। एक अन्य प्रसिद्ध उल्कापात चेलियाबिंस्क घटना है, जो 15 फरवरी 2013 को रूस में हुआ था। इस घटना में एक उल्का पिंड चेलियाबिंस्क शहर के पास गिरा और 500 से अधिक लोग घायल हुए। उल्का पिंड पृथ्वी के लिए ही नहीं बल्कि अन्य सभी ग्रहों के लिए भी खतरा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले एक बड़े उल्का पिंड के टकराने से पृथ्वी पर जीवन का अंत हो गया था। वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि आने वाले वर्षों में धरती से टकराने वाले उल्का पिंडों की संख्या बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खगोलीय पिंडों की खोज करने वाली तकनीकें बेहतर होती जा रही हैं। उल्कापात से बचाव के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि उल्का पिंडों की खोज के लिए अंतरिक्ष में उपग्रहों को भेजना, उल्का पिंडों को धरती से टकराने से रोकने के लिए मिसाइलें या अन्य उपकरणों का उपयोग करना। वैज्ञानिक उल्का पिंडों की खोज और उनसे बचाव के तरीकों पर लगातार काम कर रहे हैं।